देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस 2023 पर इस साल जो है वो कौन से शुभ योग मिल रहे हैं, धनतेरस के दिन कौन से सामान, कौन सी चीज़ें आपको खरीदना है, क्या चीज़ें आपको नहीं खरीदना है। और देखिए, कपड़े, बर्तन, जेवर, ये सब तो सभी खरीदते हैं, परंतु आज मैं 9 चीज़ों की बात करने वाली हूँ जिन्हें आप सभी अपने घर में खरीद कर अवश्य रखिएगा, क्योंकि पूरे साल हमें दिक्कत होती है कि हमारे घर में बरकत नहीं है, एक भी रुपये की बचत नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आज धनतेरस के दिन किन चीज़ों का हम संग्रह कर लें जिससे साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे, तो यही सारी महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपके लाइक बहुत बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें, इसलिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, कहा जाता है ना कि अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप दूसरों को शेयर करिए, इससे ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान के देवता गुरु प्रसन्न होते हैं। धनतेरस 2023 में आपको 10 तारीख को पड़ रहा है, 10 तारीख दिन शुक्रवार को हम धनतेरस का पर्व मनाएंगे। धनतेरस के दिन से ही दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। आज से ही ऐसी मान्यता है कि हमारी साफ़ सफाई जो भी होती है घर की, जो भी अपने रसोई, मंदिर, जो भी होता है साफ़ कर लीजिएगा। घर में अपने जो तिजोरी होती है उसको साफ़ कर लीजिएगा, रसोई घर अपना साफ़ कर लीजिएगा। सब मिला जुला कर आज हमारी सफाई की समाप्ति हो जानी चाहिए। जो भी कूड़े कबाड़ निकालना हो सब आज निकाल लीजिए, क्योंकि अब आज से तो हम दिवाली की पूजा स्टेप बाय स्टेप प्रारंभ करेंगे। तो ये सब काम आपको पहले से कर लेना है धनतेरस के पूर्व ही। धनतेरस के दिन आपको पूजा करना है। कैसे पूजा करना है तो देखिए, सबसे पहले तो हम सामान खरीद कर लाते हैं। विशेष सामानों में आज शुक्रवार है तो धनतेरस का महत्व और बढ़ गया है, ठीक है। वृद्धि योग भी है और शुक्रवार का दिन भी है। शुक्रवार को वैसे ही माँ लक्ष्मी की हम पूजा आराधना करते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको जाकर के कुछ विशेष सामान खरीद कर लाना है। तो पहले सामान खरीद के लाएंगे, उसके बाद हम पूजन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नए सामानों का भी पूजन उस दिन करें या नहीं, ये आगे की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यदि स्त्री हैं तो आप अपने लिए कोई चांदी की चीज़ ज़रूर खरीद कर लाएं। पुरुष भाई यदि मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोग एक काम करिएगा, पहले अपने घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, फिर माता लक्ष्मी की आराधना करिए। आप देखेंगे पूरे साल आपकी आमदनी बहुत अच्छी बनी रहेगी, आपकी सैलरी जो भी होगी बचत होगी, बचा करके आप बहुत कुछ कर लेंगे। और देखते हैं, कोई लाखों कमाने वाला भी फूंक फाँक के सब बराबर हो जाता है। तो एक अच्छी बचत हो उसके लिए आप अपने घर की लक्ष्मी को चांदी की कोई भी चीज गिफ्ट स्वरूप आज धनतेरस पर जरूर दिलवाएं। शुक्रवार है, शुक्र वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें उपहार दें। तो आप करिएगा, अपनी पत्नी को उपहार दीजिएगा, अपनी मम्मी को, जैसे आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी मम्मी को भी ये उपहार दे सकते हैं। तो चांदी की पायल दीजिए, बहुत शुभ होता है। पायल जो है वो पहनने से स्त्रियों के भाग्य जो है वो अच्छा होता है, साथ साथ घर का वास्तु दूर होता है। लेकिन आप जो देने वाले हैं पतिदेव लोग, यदि आप गिफ्ट करते हैं तो आपका भाग्य भी उसके साथ बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग पायल नहीं कर सकते हैं तो बिछुआ ज़रूर करें, बिछुआ भी नहीं कर सकते हैं तो चांदी के रिंग गिफ्ट करें। वैसे तो कोई भी महिला पहनना नहीं चाहेंगी चांदी के रिंग, लेकिन जो भी बजट है आप उसके अनुसार आप गिफ्ट जरूर करिए। तो पहला काम तो ये हो गया, करके देखिएगा। इस वर्ष जो है धनतेरस की शुरुआत आप पहले इसी से करिए, पायल या फिर बिछुआ या फिर चांदी के रिंग ही सही, कुछ भी चांदी का गिफ्ट आप ऐसा कुछ दीजिए जिससे वो पहने, पूरे साल पहने। तो पहला काम आप लोग ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, छोटी सी चीज़ है, धनिया हम आज ज़रूर लाएंगे। धनिया लाएंगे, आज धनिया की पूजा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा धनिया दिवाली के लिए बचा के रखेंगे, थोड़ा सा पूजा करेंगे और पूजा के अगले दिन इस धनिया को हम गमले में ज़रूर डालते हैं। तो ये काम दिवाली की पहले ही कर लेंगे, धनतेरस पे पूजा करके और धनिया को हम गमले में डाल देंगे। तीसरी चीज़ है कि आज के दिन दोस्तों लंबी बाती खरीद कर ज़रूर लाइएगा, जो दिए में डालने वाली गोल बाती होती है। ये एकदम कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, आज के दिन लंबी बाती लाइएगा, क्योंकि दिवाली में लंबी बाती से दिया जलाने का महत्व है। कहा जाता है कि लंबी बाती से दिया जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दिवाली में लंबी बाती खरीद कर लाइएगा, मिट्टी के दिए ज़रूर खरीद कर लाइएगा। भले ही आर्टिफिशियल सारे दिए वगैरह हम लगाएंगे, लेकिन मिट्टी के दिए आज नियम के लिए ही ज़रूर खरीद के लाइएगा, पूजा में भी जरूर जलाइएगा इस चीज को। आज के दिन दोस्तों नमक जो है वो बरकत का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक यदि
हम आज के दिन खरीद कर लाते हैं तो इससे भी घर में बरकत बनी रहती है। तो धनतेरस है, शुक्रवार का दिन है, नमक खरीद कर लाइएगा, बाकी तो आप लोग जान ही रहे। झाड़ू वगैरह भी खरीद कर लाना है, लेकिन नमक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ। सारी चीज़ें सस्ती हैं, आपके बजट पर भारी भी नहीं पड़ने वाली हैं। आज के दिन मिट्टी की मूर्तियाँ ज़रूर खरीद कर लाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि दीदी हमारे घर में चांदी की पीतल की इतनी मूर्तियाँ हैं तो फिर हम क्या करें, मिट्टी की नई मूर्ति हर साल खरीद कर लाए। देखिए मिट्टी की मूर्तियाँ ना नवीनता का प्रतीक है और दिवाली में नवीनता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो जरूरी है कि मिट्टी की मूर्तियां आप खरीद कर लाएं। कैलेंडर भी खरीद कर ला सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी खरीद कर लाएं, तो मतलब नई लक्ष्मी लाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि नई लक्ष्मी लाने से वृद्धि का योग बनता है, तो ये काम आप सभी कर लीजिएगा। और घर में जितनी जैसे कई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हो गई है तो एक आप अपने लॉकर में अलमारी में रख दीजिए और रोज उनको धूप दीप दिखाते रहिए। एक मंदिर में रख दीजिए, एक आपका जहां व्यवसायिक स्थल हो वहां रख दीजिए, या फिर जरूरत नहीं है तो मत भी लाइए, लेकिन आप यदि चाहें तो लाएं, ये बहुत अच्छा और शुभ होता है। और दोस्तों बता रही हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा गरीबी है, कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो आज चांदी का श्रीयंत्र भी लाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो चांदी का श्रीयंत्र महंगा नहीं होता है, एक होता है पिरामिड के आकार का और एक होता है प्लेट जैसा छिछला। तो पिरामिड के आकार जो ऊँचा, थोड़ा सा पिरामिड के आकार का ऊँचा होता है वो वाला श्रीयंत्र यदि आपको मिल जाए तो आप लाइएगा, भाग्य खुलने का द्वार है। प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करके रोली चंदन अगर उस श्रीयंत्र पर चढ़ाते रहे और सही सही तरीके से आप एक बार श्री सूक्तम का पाठ करते रहे तो उस व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती है। तो आज ये काम, आप सभी परेशान हैं तो थोड़े पैसे श्रीयंत्र में खर्च कर लीजिए। कितना भी फूटा भाग्य हो, यदि प्रतिदिन गंगा जल और दूध से श्रीयंत्र को धो करके श्री सूक्तम का पाठ करके और रोली अक्षत चढ़ाना प्रतिदिन शुरू कर दिया जाए तो फूटे से फूटे भाग्य को बल मिल जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। तो ये काम आप सभी अवश्य करिएगा। अगली चीज है दोस्तों, शंख नहीं है यदि घर में तो आज से बेहतर दिन नहीं मिलेगा। शुक्रवार और धनतेरस शंख भी खरीद कर लाइए। शंख जहां विराजित हम कर देते हैं, कायदे से शंख को रखना मैं बताऊंगी, वहां भी मां लक्ष्मी साक्षात आकर्षित होती हैं। तो शंख आप सभी अवश्य जरूर ले आइएगा। आज के दिन देखिए शुक्रवार भी है, धनतेरस भी है, तो आज कुछ चावल खरीद कर हम जरूर लाएंगे। चावल खरीद कर लाने से भी बरकत होती है, घर में वृद्धि होती है, धन आने के मार्ग बनते हैं। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बातें मैं बता देती हूँ जिसपे कि थोड़ा आप लोग अमल कर लीजिएगा। जो नई सामग्रियाँ खरीद कर लाते हैं उनसे कुछ से भी आपको पूजा नहीं करना है। क्या करना है तो नई सामग्रियों में सिर्फ धनिया रख करके, और आज के दिन कुबेर धन्वंतरी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी पुरानी वाली हम रखते हैं, नई वाली मूर्ति आज के दिन पूजा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो नई वाली मूर्ति को आज खोलिएगा भी मत, वैसे ही आप अपने पूजा घर में ले आके रखिएगा, ये सब दिवाली पे पूजा होगी। सारा जो श्रीयंत्र वगैरह सब कुछ मैं बताई हूँ, सब दिवाली पे पूजा हो, केवल और केवल एक धनिया होगा जिसका पूजन आज धनतेरस पे किया जाएगा। ये काम आपको स्पष्ट रूप से कर लेना है। इसके अलावा आप कपड़े खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, तो कपड़े वगैरह आज जो है आप अपनी पूजा में पहन सकते हैं, लेकिन दिवाली पे सारी नई चीज़ों को आप खोलिए और उनका पूजन करिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप धनतेरस की जब भी पूजा करें उससे पहले आप अपनी सारी जो खरीदारी है वो पूर्ण कर लें। इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान खरीदना चाहें तो शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, खरीद सकते हैं, गाड़ी लेना चाहें ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिन है, तो इस दिन हम ये सारे काम कर सकते हैं। मूर्तियाँ, श्रीयंत्र, शंख, चावल, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया काफ़ी कम बजट में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य खरीद लें। झाड़ू खरीद कर लाते हैं दोस्तों, तो झाड़ू की पूजा आज भी होगी और दिवाली वाले दिन होगी। झाड़ू की पूजा कैसे करना है तो सिर्फ कायदे से आप झाड़ू ले आइए और हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए और उस पर थोड़ा सा कुमकुम अक्षत छिड़क दीजिए और थोड़ा सा ये जो मौली होता है मौली लेकर झाड़ू में एक बार दो बार बांध दीजिए, इतनी ही पूजा होती है, बाकी बहुत झाड़ू की पूजा नहीं होती है, बस इतनी पूजा होती है क्योंकि हम माँ लक्ष्मी में मानकर उस झाड़ू को ले आते हैं। तो धनतेरस से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके काम की होगी, आपको पसंद आएगी, तो भूलिएगा मत दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए, मार्गदर्शन मार्गदर्शन सर्च करके देखते हैं बहुत सारे। तो देखिए पोर्ट स्टार्ट हो चुकी है और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना है, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा, एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएँ कम हैं और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पर पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार
ये अक्षय तृतीया के दिन ही की आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियां आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें, पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी, लेकिन हाँ ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पॉन्स आते हैं, जब लोग देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय, जो उपाय मैं बताती हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही और यही सिर्फ फायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सके, चलिए कर दूँ। और दोस्तों इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल है वो जानेंगे। तीसरी चीज़ कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है, लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए, ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए के रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये